पवन जी, चीनी विदेश मंत्रालय ने भी इस पे चिंता जताई है, यानी उन्हें परेशानी तो हो रही है, यानी जो सांकेतिक तरीके से ये कदम उठाया गया है, एक निर्णय ऐसा है जो चीन को समझ में आएगा कि अब भारत हमारे खिलाफ, हमारी कंपनियों के खिलाफ फैसले लेने से पीछे नहीं हट रहा है। अंजना जी, मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था। जनरल जे जे सिंह, जो कि अकाली दल की टिकट पर चुनाव भी लड़े थे, उनकी भी टिप्पणी सुनी, और सुधांशु जी की भी सुनी, और हमारे वार्ष्णेय जी की भी बात सुनी। हमला मैप पर हो रहा है, बदला ऐप पर हमले से हो रहा है। बताइए, क्या ये सामंजस्य बैठता है इस बात? ये बता दिया जाए कि टिकटॉक बंद करने से हरियाणा में बीजेपी को उम्मीदवार मिले ना मिले, वो एक नुकसान हो सकता है बीजेपी को। टिकटॉक बंद करने से क्या 1 अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को एंटे था गलवान घाटी का, या हॉट स्प्रिंग्स का, या पैंगोंग लेक इलाके का, क्या वो स्थापित हो गया है? अगर आपको उन्हें ऐप से भी चोट पहुंचानी थी, आपको लगता है आप में इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति कम है कि आप उनको लाल आंख दिखा पाए नहीं दिखा पाए, वो मोदी जी जाने, तो आपने पेटीएम को क्यों बख्श दिया? उनका तो, उनके पास तो हिंदुस्तान के कामकाजी लोगों का डेटा, महत्वपूर्ण डेटा, बैंकिंग डेटा है उनके पास, और 38% भागीदारी पेटीएम में चीनी कंपनी की है। आपने स्नैपडील क्यों छोड़ दिया, जिसमें 10% चीनी कंपनी है? बिग बास्केट क्यों छोड़ दिया, 25% चीनी कंपनी की भागीदारी, जो बड़ी कंपनी, और पेटीएम में तो से तो प्रधानमंत्री जी के विशेष रिश्ते हैं। पेटीएम के विज्ञापन में प्रधानमंत्री जी दिखते हैं, और नोटबंदी जब हुई थी तो प्रश्न बहुत बड़े बड़े, बहुत संजीदा लोगों ने प्रश्न पूछे थे, प्रधानमंत्री जी के पेटीएम से क्या संबंध है? अब हम ये जानना चाहते हैं पेटीएम के मार्फत चीन से क्या संबंध है, कि पेटीएम पर आप नरम नरम और टिकटॉक पे आप गरम गरम, ऐसे तो नहीं चल सकते। जवाब दीजिए सुधांशु। तो आप उत्तर उसी मुकाबले दीजिए। आपके नक्शे पर हमला हो रहा है, आपकी सीमाओं पर हमला हो रहा है, और आप हमें यहाँ बेवकूफ बना रहे हैं बैठकर कि देखिए साहब, हमने उनकी ऐप बंद कर दी। जवाब दीजिए सुधांशु जी, फिर प्रियंका जी फौरन आ रही हैं। सुधांशु जी, सबको सब समझ में आ रहा है। देखिए, पवन खेड़ा जी ने जो मैप और ऐप की बात कही, पूरे देश को पता है कि देश का मैप कहां किस जमाने में बदला। आधा पंजाब गया, कश्मीर चला गया, और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वह ऊंचा भाग गया। सारे मैप का बदलाव सबने देखा, और बहुआयामी युद्ध को बुद्ध कौशल के साथ लड़ने की क्षमता का अभाव भी देखा कि हमने 62 में एयरफोर्स नहीं प्रयोग की थी, वरना हम शायद भारी पड़ जाते। कूटनीतिक बल का हमने प्रयोग नहीं किया था। आज हमारी सरकार कूटनीति, अर्थनीति, युद्ध नीति और डिजिटल नीति चारों तरफ से बात कर रही। जहां तक आपने अन्य कंपनियों का नाम लिया, 10% हिस्सेदारी, 25% हिस्सेदारी और 50% से अधिक की हिस्सेदारी में काफी भारी अंतर होता है। आप भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, अच्छी तरह समझते हैं, और सरकार क्रमशः आगे बढ़ रही है। मैंने तुमने पहले वक्त में कहा, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं हर चीज के ऊपर। जहां जहां पर हमें राष्ट्रीय हित की आवश्यकता लगेगी, हम पूरी प्रबलता के साथ, सक्रियता के साथ आगे बढ़ेंगे। और आपने बहुत अच्छी बात कही थी मैप और ऐप की। आज तो राहुल गांधी जी ने बड़ा वर्सेटाइल शेयर लिख दिया है ना, वो इतना वर्सेटाइल शेयर है कि वो तो किसी के ऊपर भी लागू होता है, वो इस मैप के बदलाव के ऊपर भी लागू होता है देश के लिए। तो आपने जिस समय खाद्य सुरक्षा दी थी 2013 में, 61 साल आप थे, उसके लिए भी कोई पूछ सकता है कि क्यों हुआ। और तो और, कांग्रेस की जो दुर्गति उनके शासनकाल में हुई, उसके लिए भी लागू होता है क्यों हुआ। तो मुझे लगता है कई बार आक्रमण करने की स्थिति में शायद वो ये भूल जाते हैं कि वो अस्त्र रिवर्स होकर उनके ऊपर न लग जाए। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी पवन जी। एक बार पहले प्रियंका जी से कमेंट्स ले लूं और अजय आलोक से। प्रियंका जी, राहुल गांधी के जिस शेर पर वो हमला कर रहे थे, तेरी रहबरी का ख्याल है, ये सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ जो सरकार का कहना है कि हम चौतरफा तरीके से चीन को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे वक्त पर जब हमारे दुश्मन देश के तौर पर चीन दिख रहा है, तो हम उनके ऐप्स को बैन कर रहे हैं, क्या शिवसेना इस फैसले में उनके साथ है, या आपको लगता है कि इससे क्या हासिल? देखिए, हमने कहा है जहां तक चाइना का जो इकोनॉमिक ट्रेड डेफिसिट है देश को लेकर और चाइना को लेकर, करीब $23 बिलियन का है, और वो दुगना इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, हम जानते हैं। 2014 से जो बड़े हैं, 18 मीटिंग्स हुई हैं, 2 बायलैटरल्स हुई हैं, इनफॉर्मल मीटिंग्स हुई हैं, बहुत सारी पप्पी झपियां हुई हैं, देश ने देखा।
और उसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत है. आप ऐप हमने तो कहा है जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसके बाद हमने कहा कूटनीति के माध्यम से मिलिटेरली डिप्लोमेटिकली आपको जिस तरीके से या इकोनॉमिकली या स्ट्रेटेजिकली या डिजिटली आपको जो निर्णायक कदम उठाने हैं आप जरूर उठाइए क्योंकि चीन को जवाब देना बहुत जरूरी है. ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि वो कह रहे हैं कि गलवान वैली ही पूरी की पूरी हमारी है. ये पहले नहीं हुआ था, 1962 में इसकी बात नहीं हुई थी. ये पहली बार हो रहा है देश के सामने. ऐप डाउनलोड करने के बाद या ऐप को बैन करने के बाद आप और क्या क्या निर्णायक कदम उठा रहे हैं वो जानना जरूरी है. करीब 4 बिलियन, देखिए चाइना दो तरीके से किसी देश में घुसता है, फाइनेंशियली हेल्प करकर या अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से. हमारे सारे टेक स्टार्टअप जो हैं उनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाइना से आया हुआ है. 4 बिलियन से ऊपर का उनका टेक स्टार्टअप का इन्वेस्टमेंट है जो चाइना का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है. और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनसे है जो खुद चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से उनका तालमेल है और उनकी सरकार से उनका तालमेल है. जैसे अलीबाबा हुआ, टेंसेंट हुआ, शाओमी मोबाइल फोन्स हुए, ये लोग दूसरे देशों में जाकर अपने ऑफिसेज एस्टैब्लिश करते हैं और फिर हमारे देश में आकर बिजनेस करते हैं. तो उस पे सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ये सरकार को स्पष्ट तरीके से देश को बताना जरूरी है.